भाई देख ली किताब। तो बच्चों भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम से आता है, देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो होता है यहां से कौन सा सागर है इधर, अरब सागर। यस सर। अच्छा अब ये बताओ ये कितनों को लगता है कि भारत का नक्शा है? क्यों भाई अनिरुद्ध, अनिरुद्ध नाम है ना तुम्हारा? यस सर। तुम्हें नहीं लगता क्या भारत का नक्शा है? तो पूरा हाथ उठाओ भाई। सॉरी सर। अच्छा बताओ अफ्रीका का नक्शा कितनों ने देखा? तुम्हें देखा है ना सबने, तुमने नहीं देखा भाई? तो ऐसा करो अपनी अपनी एटलस किताब खोलो और उसमें अफ्रीका का नक्शा देखो फटाफट, और पूरा मैच करने की कोशिश करो, बनाओ एक और देखो मैच हो रहा है कि नहीं, और जो सबसे अच्छा बनाएगा ना भाई उसे कल चॉकलेट दूंगा मैं। एनिवर्सरी भी मेरी कल। यस सर। किसका ये, किसका फोन मिला? तेरा फोन मिला अभी? नो सर। किसका बजा फिर? चीजें उधर पड़ी हुई है, मुस्कुरा रहे हो बेशरम, फोन कैसे बज गया क्लास में? पहले बोलता हूं स्विच ऑफ करके रखा करो, पढ़ने आते हो क्या करने आते हो? तो नहीं बताओगे किसका बजाय? ऐसा आपके तो छोड़ रहा हूं, अब के बच गया ना उठा के बाहर फेंक दूंगा उसे, मूर्ख। मुझे अनुशासन चाहिए क्लास में। नहीं सबके बापों को ना बुला के यहां खड़ा कर दूंगा फिर मैं, और जलील करके भगाऊंगा बाहर। साथ समझ के रखा हुआ है। बिना लाइसेंस की दुकान, सारा सामान यहीं दिखाया गया, बाहर के लिए भी कुछ छोड़ेगा, 5 मिनट बचे, थोड़ा सब्र कर ले। टाइम क्या हो गया भाई? 8:15 सर। 8:20 सर। 8:25। कहां से मिला तो घड़ी? चलो यार साहब आगे की क्लास कल लेंगे हम, और सारी चीजें जो बताई ना तैयार करके आना है, और कल से अनुशासन का ध्यान देना है। मिलते हैं, चलो हैं, गुड बाय।
बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। अबे चल बे, मूड खराब कर दिया यार। मेरा मन नहीं करता, मुझे मजा नहीं आ रहा। हां तेरा खुद मन कब करता है यार। सुरभि, सुरभि। हाँ भैया। अरे क्या कर रही है? आ गई। मैं जरा जा रहा हूँ जॉगिंग के लिए। ठीक है। दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है ठीक है, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। चल। साला कल्लू, उसका मुंह देखने लायक था। साले के मुंह से हवा ही उड़ रही थी। ए भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। अगर चल ठीक है राणा प्रताप, ये बता तुझे चाकू कहाँ से मिला? अबे मेरा बाप गाजियाबाद का डॉन है। चार भाई हैं हम। बापू ने शेर की तरह पाला है। पापा कहते हैं दूसरों का काम तमाम करने में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो नुकसान अपना ही होता है। बस तब से हमने बहुतों का काम तमाम किया है। काम तमाम मतलब? चल बाकी कहानी वहां बैठ के बताता हूँ। चल निकाल सामान, अब ज्यादा वेट मत करा यार। निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, रुक जा। तेरी ले। ये और अबे रुक, हम नीट पीते हैं, हमें कोको कोला नहीं चाहिए। Cheers. Cheers, my boy. साला है बड़े काम का, जैसा भी है अपने को रोज पार्टी देता है। ये तो है भाई। चल कोई नहीं, अपनी तो पीछे स्थिति आना कर कर। चलो काम तमाम की कहानी बता। जैसे कि हमारा किसी ने नुकसान किया, हमें परेशान किया। साला अपना एक गैंग होता था, प्लान बनाते थे और साले का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करते थे, ऐसा कि आगे से वो हमारा नुकसान करने के बारे में सोचे भी ना। भाई वैसे ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता क्या है बे? अबे देख, जैसे साले के हाथ पैर तोड़ देने, उसके नोट्स फाड़ देने, उसका जो भी धंधा हो ना सब साला चौपट कर देना। यार वैसे तू कुछ ज्यादा ही है। साले तू तो बड़े शरीफ घर का है, फिर तू क्यों? तेरे घर में तो बड़ा डिसिप्लिन है ना, इसलिए तो। साला ये मत देखो, ये मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ट्यूशन में कुछ नहीं कर सकते, स्कूल में कुछ नहीं कर सकते, घर में कुछ नहीं कर सकते। साला लाइफ को जेल खाना बना के रख दिया है, इसलिए तो जो टाइम मिलता है एंजॉय करता हूँ बस मैं। और मुर्गे तू, तेरा क्या है? जब से मिला है केवल फ्री की दारू पिलाया जा रहा है, इरादा क्या है तेरा? मेरा बाप नारकोटिक डिपार्टमेंट में है, पापा की शराब की बोतलों में से 2-3 बोतलें उड़ा लेता हूँ। अरे अपना कुछ नहीं जाता भाई, अपने को सब कुछ फ्री मिल जाता, पर ये नमकीन है ना, बस इसके पैसे मैंने दिए हैं। अभी थोड़ा
अबे सर सर इस वक्त तुम लोगों को घर पे होना चाहिए था। अब समझ में आया मेरी क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी सड़े हुए नंबर आते तुम लोगों के, और तुम्हारे माँ बाप की खरी खोटी सुननी पड़ती है मुझे। इधर घूमो, तुम लोगों को कॉलेज से रेस्टिकेट कराने, तुम्हारी ये काली करतूतें तुम्हारे माँ बापों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। और ये जिम्मेदारी मैं कल ही पूरी करूंगा। और एक बात और, कल से मेरे कोचिंग सेंटर में भी आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि चंद खराब मछलियां पूरे तालाब को गंदा करें। सर 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 करना क्या है? मैंने सोच लिया, जो मैं कहता हूं वो करना है तुम्हें। सर हार्ट की पेशेंट है, दो अटैक आ चुके हैं, तीसरा आया तो काम तमाम। हम क्या भूत है जो हमें देख के हार्ट अटैक आ जाएगा? अब तुम देख के जाओ क्या क्या होता है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। ओके पर एक बार ही बस माफ कर देते प्लीज, पेरेंट्स को कुछ मत बताना। बिल्कुल नहीं, एक बार मैं कह चुका हूँ, हटो सर, मैं कर देता हूँ। जो गंदे काम तुम लोग कर रहे थे ना पार्क में, उन कुकर्मों के बाद तुम सरस्वती को हाथ लगाने योग्य नहीं रहे।
इधर आओ, चलो जाओ अपने अपने घर। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, क्या कहा मैंने? चलो अपने अपने घर जाओ, और तुम लोगों को तुम्हारी सजा में दिलवा कर रहूंगा। सर लास्ट चांस। कोई लास्ट चांस नहीं मिलता है, बदतमीज। सर हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही। स्टूडेंट है आपके, माफी मांग ली। टीचर हो ना आप हमारे, बच्चा समझ के माफ नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों को मैंने अब माफ कर दिया ना, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक गलती को भगवान भी माफ करता है। मैं भगवान नहीं हूं, हटो। आप बन भी नहीं सकते भगवान। तुम लोग अभी जा रहे हो कि नहीं? ऐसे नहीं मानोगे तुम, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। सर बहुत हो गया। सर यहाँ लेट गए। सर सर भैया सर सर अरे मैं डॉक्टर के पास वो लेने गई है, पता नहीं किस किस को बुला के ला रही है बाहर से। अच्छा सुन सुन गए हमारे सबको, हमें एक ही स्टोरी बतानी है कि हम क्या करने आए थे, बदलना नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अपने अपने पूछ चले। जल्दी से प्लीज जल्दी चलिए। कुछ किया था, क्या हुआ?
मुझे मारने दिया था शराब तुम लोग नहीं सर हमने उधर जाओ इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की आप कहाँ हैं आप क्या कहिए ऐसा हुआ है इन्होंने इनको मारने की कोशिश की है नहीं सर हार्ट अटैक आया था नहीं हार्ट अटैक नहीं आया मैं मर ही गया था भगवान ने मुझे बचा लिया नहीं सर एक मिनट रुको साहब आप बताइए क्या हुआ है भगवान ने नहीं बचाया हुआ क्या है अचानक अगर किसी की धड़कन रुक जाए और अगर उस पर लगातार कोई 10 मिनट तक हाथ मारे जो अनोइंगली इन लोगों ने किया अच्छा उससे इनकी ये नो सांसें वापस आई हैं मेरे मुंह पे तकिया तकिया रख के मुझे मारा इन्होंने तुम सबका बयान दर्ज होगा थाने में जाकर उसके बाद सारा फैसला अदालत में होगा यहाँ कुछ नहीं होगा चलो नहीं सर हमने कुछ नहीं किया जो कहना अदालत पे कहेंगे सब लोग चलिए सब लोग आ जाइए।